नमस्कार आदाब, मैं हूँ रूही चंदेल और tuple.com पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। tuple पर आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। इंदौर शहर में देश का पहला पूरी तरीके से मुफ्त ब्लड कॉल सेंटर संचालित करने वाले अशोक नायक जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। तो सर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ और आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूरा ब्लड सेंटर चलाने के पीछे का आपका क्या कॉन्सेप्ट रहा, अभी ये किस तरीके से कैसे काम कर रहा है और आने वाले समय में इसकी क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए पहले तो बता दूं कि ये कॉल सेंटर जो है पिछले 14 साल से मैं चला रहा हूँ। ये भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर जो कि रेड क्रॉस के सहयोग से चलता है, रेड क्रॉस में सपोर्ट करता है। आज से 14 साल पहले MY में एक महिला को रोते हुए देख के मैंने पहली बार ब्लड डोनेशन किया था। उसके बाद से लगा था कि यार ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी फैक्ट्री नहीं होती, ये पैदा नहीं होता, इसे हमें और आपको ही मिलकर देना होता है। धीरे धीरे लोगों को जोड़ते गए, आज 4 लाख से ज़्यादा लोग हमारे सेंटर से जुड़े हुए हैं जो समय समय पर रक्तदान करते हैं। 10 से 11 लोगों की टीम है जो पूरा कॉल सेंटर बना रखा है, जहाँ पर कॉल आते हैं और तुरंत ही हम ब्लड अरेंज कराते हैं। 2 गाड़ियाँ हैं जो आपको लाने ले जाने के लिए फ्री सुविधा है, जिसका कोई पेट्रोल कोई खर्चा नहीं लिया जाता है। उसी के साथ धीरे धीरे हमने अभी गाँव के अभियान शुरू किए हैं। हमने देखा है कि जब हॉस्पिटलों में पेशेंट आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनकी बॉडी में कितना ब्लड है, उनका एज भी कितना है। तो हमने देखा और इंदौर के आसपास के 600 गाँव की लिस्ट निकाली। 8 गाँव में हम ये अभियान कर चुके हैं जिसमें हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप टेस्ट करके उनका कार्ड बना के दे रहे हैं कि आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन आपका इतना है। कम से कम उनको ये तो पता चले कि मेरा कम ब्लड है तो जांच डॉक्टर को दिखाए, अगर ज़्यादा है तो ब्लड डोनेट करें। तो कहीं ना कहीं ये जो अभियान हमने चालू किया इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कब से चल रहा है सर ये अभियान? ये अभियान हमको पिछले 3 महीने से चालू कर दिया, हमने 3 महीने हो गए और 8 गाँव में हम कर भी चुके हैं और अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आने वाले 1-1.5 साल में इसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त आने वाला है कि इंदौर में जो ब्लड की दिक्कत चल रही है कि भाई नहीं मिलता कभी कभी परेशान होना, तो ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी क्योंकि हम जहाँ कैंप करेंगे वहीं डोनेशन भी कराएंगे। तो उस प्रयास को लेकर लगे हुए। तीसरा हमारा भी नया जो कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं, अभी 8 मार्च महिला दिवस है, आप सब जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस आता है। उस महिला दिवस के मौके पर हर साल हम मातृशक्तियों का सम्मान करते हैं जो रक्तदान में आगे है, क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि पुरुष ही रक्तदान में आगे, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं भी रक्तदान में आगे आ रही हैं। तो उनका हम 8 मार्च को सम्मान करते हैं इस दिन, क्योंकि 8 मार्च को होली है। तो हम 5 मार्च के दिन 101 माहिल्या रक्त नारी नाम से उस अवार्ड से इनको सम्मानित कर रहे हैं। 101 मातृशक्तियों का हम सम्मान करेंगे, उस अवार्ड फंक्शन का नाम होगा माहिल्या रक्त नारी के नाम से, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 50 से ज़्यादा हो चुके हैं जिनका सम्मान होना है। अभी और भी रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे हो रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपने भी अगर 1 से अधिक बार रक्तदान किया हो तो प्लीज़ हमारा नंबर है 9200250000 पे अपनी डिटेल्स हमें शेयर करें, ताकि हम आपको सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आपने अपना ब्लड देकर 4 लोगों की ज़िंदगी बचाया है और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती, पैदा नहीं होता। तो निवेदन है इस अभियान से और इस इवेंट से ज़रूर जुड़ने का मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल लाउड एंड क्लियर और आसान शब्दों में पूरा मैसेज जो अशोक नायक जी ने दिया वो हम सभी लोगों को साफ तौर पर समझ में आया होगा किस तरीके से गाँव के अंदर भी अभियान इस वक्त काम कर रहा है। और बेशक ब्लड के प्रति जागरूकता होना जो है बहुत जरूरी है और ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं इसकी कमी आज भी देखने को मिलती है। सर एक आखिरी सवाल कि आप इसमें किस तरीके का सहयोग देख रहे हैं, सामाजिक तौर पर भी, प्रशासनिक तौर पर भी, और जब हम की बात करते हैं तो किस तरीके का आपको सहयोग आपकी इन दोनों गतिविधियों में देखने को मिलता है? देखिए पहली चीज़ तो ये कि बिना सहयोग के कोई चीज़ें चलती नहीं, तो बराबर सहयोग मिलता, लेकिन हाँ ये है माने कलेक्टर महोदय के से सहयोग मिलता, रेडक्रॉस से मिलता, कुछ दानदाताओं से सहयोग मिलता। जो चाहिए वो तो नहीं मिलता, अगर वो चाहिए जो मिल जाता तो ये भारत का पहला कॉल सेंटर अभी तक भारत का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बन चुका होता। लेकिन हाँ ये है कि मिल रहा है लेकिन बहुत छोटा छोटा मिल रहा है। मेरा ये भी निवेदन है कि एक बार विजिट करिए, एक बार देखिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे हम ब्लड अरेंज करा रहे हैं, कैसे 30-40 लोगों को रोज़ ब्लड दे रहे हैं। अगर आज इस
काम को आप समझेंगे तो शायद सहयोग करेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि पहले मुझे सहयोग करिए, मैं ये कहता हूँ कि पहले आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 14 सालों से, तो बिल्कुल इसको सहयोग करिए, क्योंकि ये एक इंदौर जैसे शहर में, माहिल्या की नगरी में, जो स्वच्छता में नंबर वन है, उसमें भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर बहुत छोटे से स्तर से चल रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बन सकता है अगर आप लोग सहयोग करें तो। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल सेंटर ऐसे ही काम करता रहे और देश भर में जरूरतमंदों के काम आता रहे। बहुत बहुत थैंक यू।